जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ावलियाँ। बच्चों आइए देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम जाने संरक्षण के नियम को जानने से सबसे पहले जाने कि संवेग क्या है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान एम है और वेग भी है तो इसका संवेग m इंटू वी से जाना जाएगा। संवेग की दिशा वेग की दिशा मानी जाती है क्योंकि एक सदिश राशि है। इसका मात्र पहले से हम जान चुके हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है या फिर न्यूटन सेकंड होता है। लेकिन जो टॉपिक आज का है संवेग संरक्षण का नियम, उसके बारे में जानें। तो यहाँ पर हम अब लेंगे शर्त लेंगे और शर्त के अनुसार इसको अब सिद्ध करेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम कैसा लागू होता है। आइए विचार करें। माना कि दो कणों के निकाय में कणों के द्रव्यमान m1 व m2 है। एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है, ठीक। अच्छा, इनके संवेग हम मान लेते हैं पहले का संवेग p1 है और दूसरे कण का संवेग p2 है। तो पूछे कि निकाय का तब कुल संवेग क्या होगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं निकाय का कुल संवेग, निकाय का कुल संवेग। अच्छा, कुल संवेग को अगर हम क्या माने, P माने, तो क्या होगा, P1 प्लस P2, ये कुल संवेग। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक। तो समीकरण नंबर एक में यहाँ तक आने से क्या किया जाना कि माना कि दो कणों जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं और एक वेग से गति कर रहे हैं, एक का संवेग p1 है और दूसरे का संवेग क्या है, p2 है। तो हम कह सकते हैं कि जो निकाय है उस निकाय का जो कुल संवेग है p बराबर p1 प्लस p2। अब समीकरण नंबर एक। अब यहाँ से हम दूसरी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। माना कि कण m1 व m2 के ऊपर कुछ समय के लिए एक सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी के लिए बल लगाया जाता है और यह बल F1 पहले कण पर और दूसरे कण पर बल F2 लगाया जाता है। जैसे बल लगा देते हैं बाहर से उसको एक्सटर्नल बल कहेंगे और इस बल के कारण अब संवेग में जो परिवर्तन होगा, अगर यह परिवर्तन पहले के लिए परिवर्तन F1 बल लगाने से पहले कण का परिवर्तन डेल्टा P1 है और दूसरे का डेल्टा P2 है, तो अब हम ये जान सकते हैं कि इसका कुल संवेग परिवर्तन कितना होगा। तो निकाय का कुल संवेग परिवर्तन, ठीक है, कुल संवेग परिवर्तन, इसको हम क्या माने, डेल्टा P मान लेते हैं। तो डेल्टा P किसके बराबर होगा, तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें डेल्टा टी से भाग दे दें तो डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग देना है तो ये हो गया डेल्टा पी बटा में होगा डेल्टा टी इक्वल टू, फिर लेंगे डेल्टा P1 बटा में होगा डेल्टा टी और प्लस इसके लिए होगा डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ तक। तो इसको अगर हम माने कि ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दो हो गया। अब आगे की हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये है ऊपर आपका संवेग और दूसरा है आपका संवेग और उसको समय से भाग दिया जा रहा है। तो जब संवेग में हम भाग देते हैं समय से उसको कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर। जब भी हम भाग दें, ठीक है, दर से नाम से जाना जाता है, समय से अगर भाग दिया जाता है तो संवेग परिवर्तन की दर कहलाएगा। और न्यूटन का जो द्वितीय गति विषयक नियम था उसमें हम लोग पढ़ करके आए थे क्या कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस बल के सीधे अनुपात में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। मतलब फिर से समझिए, पूरा समझ लीजिए इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
समझिए, जो न्यूटन का द्वितीय गति विषयक नियम है उसके अंतर क्या है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो उस वस्तु पर लगा हुआ जो बाह्य बल है उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। और हम जानते हैं बेटा कि चूंकि a बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा क्या होता है समय अंतराल, मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो a बराबर, अगर यहाँ पर f बराबर अगर हम रखें m तो v माइनस u बटा में क्या होगा डेल्टा t, अगर इसको हम ऐसे रखें कि कोष्ठक से गुणा कर दें बाहर करें तो m v माइनस क्या होगा m u बटा में क्या होगा डेल्टा t। देखो अंतिम वेग है तो इसे अंतिम संवेग कह सकते हैं, प्रारंभिक वेग है तो इसको हम प्रारंभिक संवेग कह सकते हैं। तो अगर अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा दिया जाए तो संवेग में परिवर्तन मिलेगा, अनिश्चित समय का भाग है तो संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन को क्या कहें डेल्टा पी, और भाग किससे दे रहे हैं डेल्टा टी से। तो अब जरा सा देखना, यह संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि समय से भाग दे रहा तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस वस्तु पर बाह्य बल के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी यह किस रूप में है। तो पहला संवेग परिवर्तन की दर है, ये दूसरे पिंड के लिए दूसरा संवेग परिवर्तन की दर है, इसको हम बल को F1 कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं F2। ठीक है, इसके अनुसार तो अगर इस तरीके से हम इसको देखें तो ये क्या होगा, तो डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी इक्वल टू आप यहाँ पर लीजिए, तो अब इसका मान क्या रखूँ मैं F1, बल क्या है F1, और यह बल क्या हो गया F2। पहला संवेग परिवर्तन की दर F1 बाह्य बल के बराबर होगा, और उसी तरीके से दूसरे का संवेग परिवर्तन क्या होगा बल F2 हो जाएगा। लेकिन बात करें हम ये बेटा, इस बल के अंदर अगर कोई वस्तु, न्यूटन का प्रथम नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर रहेगी, और यदि गतिशील है तो एक समान चाल से चलती रहेगी, पूछे कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु चल रही है तो नियत चाल से चलती रहेगी, जब कोई वस्तु चल रही है तो नियत चाल से चलती रहेगी, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, जैसे पृथ्वी की गति जो 16,000 किलोमीटर प्रति की चाल से अपने धुरी पर घूम रही है, और साथ में 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इसकी चाल बिल्कुल ही क्या है, सटीक है, नियत है, और इतने करोड़ों वर्षों के बाद भी पृथ्वी के चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जिस चाल से ये चल रही है इस पिंड का अपना एक बल है, और उस बल को हम कहते हैं इंटरनल बल, आंतरिक बल। क्या कहते हैं, आंतरिक बल। तो जब तक जो है किसी वस्तु का आंतरिक बल है, अगर कोई वस्तु को मान लीजिए उठा करके गतिशील है, हमने रोक दिया तो उसके अंदर अभी भी इंटरनल बल है, इसी इंटरनल बल के कारण चलती हुई वस्तु को हमने क्या कर दिया है, रोक दिया है। और अगर चलती हुई वस्तु है तो तभी चल रही है जब उसके अंदर बल है, तो उस इंटरनल बल के कारण लगातार वो क्या कर रही है, गति कर रही है, और इंटरनल जो गति हो रही होती है उसके अंदर स्वयं परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। तो जैसे ही उस पर हम बाहर से बल लगाएंगे तो उसके ऊपर तब दो बल कार्य करेगा, एक तो स्वयं उसका अपना खुद का इंटरनल बल होगा, जबकि दूसरा जो बल हम बाहर से लगाएंगे वो एक्सटर्नल बल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पिंड पर लगा हुआ जो बल F1 है, यह बल F1 दो चीज़ों से बटेगी, एक होगा उसका अपना F1 इंटरनल बल, आयन से लिख देते हैं इंटरनल बल। ठीक है, और दूसरा इसका अपना खुद का बल होगा F, ठीक है ना, वन एक्सटर्नल, ई एक्स टी लिख देते हैं एक्सटर्नल, इससे जाना जाएगा। और दूसरे बल की बात करें उसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, तो F2 इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो F2 एक्सटर्नल बल हो जाएगा। लेकिन तुम अभी बच्चा क्या कहा कि इंटरनल जो बल होता है वह किसी पिंड या निकाय की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं करता है, इसका मतलब कि जो हमारा इंटरनल बल है इन दोनों का, वह जो है स्वयं अपनी गति या किसी भी अवस्था में परिवर्तन करने की स्थिति नहीं रखती है। अगर वो वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, वो किसके कारण, इंटरनल बल के कारण। ठीक है,
परिवर्तन तब होगा जब उसके ऊपर हम बल लगाएंगे बाहर से, जिसे एक्सटर्नल बल कहेंगे। तो यहाँ पर लिखना चाहिए कि जो इंटरनल बल होता है किसी वस्तु का, वह जो है किसी वस्तु की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं करता है। परिवर्तन करने का जो काम होता है वह एक्सटर्नल बल के कारण होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे बल की, तो इनको हम उठा करके रखें, यहाँ से उठा कर रखें, तो ये है आपका डेल्टा पी, अब बटा में है डेल्टा टी। अब इसके लिए इंटरनल बल में परिवर्तन स्वयं नहीं कर रहा है लेकिन एक्सटर्नल बल परिवर्तन कर रहा है, तो ये हो जाएगा ई एक्स टी ये, और दूसरा बल जो होगा वो क्या होगा, तो ये होगा ई एक्स टी एक्सटर्नल बल। यदि हम ऐसे मान लें कि दोनों एक्सटर्नल बल, यदि एफ वन एक्सटर्नल बल और प्लस एफ टू एक्सटर्नल बल जो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का काम करेगा, संवेग में परिवर्तन का काम करेगा, उस बल को हम ई एक्स टी मान लें, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो इन दोनों की जगह पर कुल टोटल जोड़ करके एक्सटर्नल बल होगा, और इस एक्सटर्नल बल का मान अगर हम भर दें तो क्या होगा, तो डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स टी एक्सटर्नल बल हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल बल के कारण ही इसकी संवेग में परिवर्तन हुआ है। अगर हम किसी स्थिति में, यदि किसी स्थिति में एक्सटर्नल बल ई एक्स टी, मतलब लिख देते हैं पूरा ई एक्स टी एक्सटर्नल बल इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जैसे ही जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, तो डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा समझिए, बाहर से लगा हुआ बल किसी स्थिति में अगर जीरो हो जाएगा तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर तब जीरो लिखी जाएगी, टी से उठा करके अगर इसमें हम गुणा कर दें तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे और देखते हैं। तो ये डेल्टा पी को अब हम इसे रख करके टी से गुणा कर देते हैं, तो जीरो गुणे डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से जैसे ही गुणा कर देंगे तो जीरो में गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह संवेग एक परिवर्तन जो हो रहा था वह एक्सटर्नल बल के कारण हो रहा था, इसका मतलब कि ये क्या है, नियत है, या फिर क्या है, नियतांक है, नियतांक हो गया। तो अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर बाह्य बल जीरो हो जाएगा तो उस वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से कुछ बातों को, क्योंकि हम पढ़ कर क्या है ना कि जो संवेग परिवर्तन है, ठीक है, वो किसके कारण होगा, वो बाह्य बल के कारण होगा। अगर बाह्य बल ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ध्यान से समझिए, लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लास्ट में जो आए हैं, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है, और समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या सीख लिया आप लोगों ने, फिर से एक बार देख लीजिए इसको अंत वाला, ठीक है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है, और समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने बच्चा सीख लिया संवेग संरक्षण का नियम, जब हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु का जो संवेग होगा वो क्या होगा, नियत होगा, नियतांक होगा।